सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने संबंधी नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर गुरुवार को फैसला सुनाया। बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JV पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। फैसले पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सहित चारों जजों ने सहमति जताई है, वहीं जस्टिस JV पादरीवाला ने असहमति जताई। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं है। इस कानून पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हैं। हम किसी को अपने पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते और ये उनके भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन वाज टू रिकॉग्नाइज द अकॉर्ड, द असम अकॉर्ड, व्हिच वाज आफ्टर प्रोटेस्ट दैट वाज कॉज्ड ड्यू टू माइग्रेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड द कोर्ट टुडे हैज upheld the 6A provision that in effect made the law that follows the accord that there would be a cutoff date of 1966. Anyone who entered India and is ordinarily resident before 66 would be a citizen. Someone who came between 66 and 70, 71 would, with the qualifying elements, would after 10 years become a citizen, and those who came after 71 will not be citizens. So that's what the accord was in rough, and that's what was recognized in the legislation. That legislation has been upheld. So what does it mean now? A lot of people are still hanging there. No, it just means anyone who had come before 71, anyone who had come before 71, 10 years have passed, therefore that person also would be a citizen. They will now have to apply for it or... No, they would be citizen automatic. Saugand TV की report. आप देख रहे हैं Saugand TV. Saugand, वतन की